Hi everyone, press the bell icon for latest updates and subscribe to the channel. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबाल। वेलकम बैक टू माय चैनल जफर स्टूडियो। आज हम यहां पे कुछ इस तरह की एडिटिंग करने वाले हैं। तो यहां पर फोटो का जो बैकग्राउंड है और पीएनजी, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पिक्सआर्ट ऐप ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यह दिया हुआ है। और ऐड फोटो में जाएंगे और हमारा जो मॉडल है उसको चूज़ कर लेंगे। मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से कट करके रखा हुआ है, आप लोग भी कट कर लें। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो मैं इसे बड़ा करके सेट कर लिया। इसके बाद फिर से हम लोग ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ पे जो टेसरेट क्यूब है, जो हमारा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का है, वो वाला मैं ले लूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है, इसको सबसे पहले ब्लेंड मोड में जाके स्क्रीन लाइट कर देना है। तो ये स्क्रीन लाइट हमारा हो चुका है। अरे हो क्या, हाँ हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, देखिए साइड साइड में कुछ वाइट वाइट नज़र आ रहा है, तो उसे ठीक करना है। तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट में जाएंगे और शेडो को पूरी तरह से कम कर देंगे 100%। उसके बाद क्या करेंगे कि हाईलाइट में जाएंगे और हाईलाइट को भी कम कर देंगे। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ओके, और यहाँ जो ब्राइटनेस है, अब ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा कम कर देंगे। तो देखिए जो साइड का वाइट था वो चला गया है। ओके, इसके बाद इसे ओके कर लेते हैं और इसे बड़ा कर, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हाथों पर सेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज़र में जाऊँगा इसके बाद और जो एक्स्ट्रा पार्ट से उसको इरेज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ इरेज़ करने के लिए। सेट हो जा भाई, ये अब इरेज़र में आया। सॉरी, ये ओपेसिटी तो कम करना भूल ही गया, ओपेसिटी कम कर लेता हूँ। अब इरेज़र में जाता हूँ। अब इसे मैं जल्दी जल्दी इरेज कर लेता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये हो चुकी है। इसके बाद मैं ओपेसिटी बढ़ाता हूँ और फिर से देखता हूँ कहाँ कहाँ ज़रूरत है, उसे भी मैं अच्छे से इरेज कर लेता हूँ। तो ये हो चुकी है हमारी कंप्लीट। इसके बाद क्या करना है कि हमारा जो बैकग्राउंड है पीछे का, उसे डार्क करना है और हाथ के पास हमारा लाइट चाहिए। तो पहले जाते हैं हम लोग टूल में और यहाँ पे जाएंगे उसके बाद एडजस्टमेंट में। और एडजस्टमेंट में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्राइटनेस को ना कम कर देंगे। तो यहाँ ब्राइटनेस कम हो चुका है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे। उसके बाद जाएंगे हम लोग हाईलाइट में, हाईलाइट को कम करेंगे, शैडो कम करेंगे। इसके बाद जाएंगे इरेजर में और सिर्फ हाथ के पास जहाँ टेसरेक्ट क्यूब है उसी को हम लोग सिर्फ इरेज करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं, हार्डनेस पूरी तरह से कम रखते हैं और साइज को बड़ा करके हाथों के पास थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से कर लेता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये अब लग रहा है कि हाथ में मैंने कुछ पकड़ा हुआ और अंधेरे में हूँ और ये मेरा टेसरेक्ट क्यूब जो है वो चमक रहा है पूरी तरह से, ये इफेक्ट आ रहा है हमारे पास। अब इसे ओके कर लेते हैं हम लोग, हो चुका है। इसके बाद इस फोटो को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे और लाइट रूम खोलेंगे हम लोग। लाइट रूम में कलर का करेक्शन करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ये सेव हो चुकी है। इसके बाद लाइट रूम खोल लिया है मैंने, ऐड फोटो में जाऊँगा और जो सेव किया था उसे खोल लूँगा। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग जाएंगे सिलेक्टिव में और यहाँ पे ब्रश चुनूंगा मैं। ब्रश का जो साइज होगा वो होगा हमारा करीब करीब 40। और जो फेदर है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको भी 50 के पास करीब करीब रखेंगे। और ये जो फ्लो है उसको 100% कर देंगे। हो जा 100 भाई, हाँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड को सिर्फ कलर करेंगे, सिर्फ बैकग्राउंड। ओके, ध्यान रखना। तो हम लोग ये बैकग्राउंड को कलर कर लेते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे हम लोग लाइट में जाएंगे और यहाँ जो हमारा एक्सपोजर है उसको कम करेंगे, एक्सपोजर को, क्योंकि हमें डार्क दिखाना है बैकग्राउंड को। कॉन्ट्रास्ट बढ़ भाई, हाँ बढ़ चुका है। उसके बाद हाईलाइट कम करेंगे, शेडो कम करेंगे, वाइट्स कम करेंगे, ब्लैक की इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा 14% 6-7% के करीब करीब बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसे ओके कर देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, फिर से जाएंगे सिलेक्टिव में, इस बार हम लोग टेसरेक्ट क्यूब और हमारा जो फेस है उस वाले इलाके को करना है कि यहाँ से ब्लू लाइट बाहर आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसको पहले कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये मेरा फ़ोन।
ये थोड़ा सा कर लेता हूँ अच्छे से, हाथों के पास और चेहरे के पास जहाँ जहाँ लाइट पड़ने का उम्मीद है वहाँ पर। इसके बाद लाइट में जाएंगे, कलर को ब्लू करेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे ताकि हमें नज़र आए, ब्लू पे ले जाते हैं, ये ब्लू कलर हो गया। टेम्परेचर घटा देंगे, ठीक है, ये टेम्परेचर मैं करीब करीब घटा देता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए मेरे ख्याल से। शायद टिंट को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि घटा देते हैं टिंट को, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले किस तरह से दिखता था और अब किस तरह से दिख रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कलर में जाएंगे और कस्टम करेंगे इसे, और मिक्स में जाएंगे और चश्मे का कलर जो है उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज वाले कलर ले लेता हूँ और इसकी सैचुरेशन को घटा देता हूँ, ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, जो येलो कलर है उसे भी ले लूँगा, उसका भी सैचुरेशन कम कर दूँगा और ल्यूमिनस उसका भी थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। ओके, ये हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे सेलेक्टिव में और चश्मे को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं चश्मे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी ब्रश तो ले लूँ, हाँ तो यहाँ पे मैंने ब्रश ले लिया और चश्मे को अच्छे से कलर कर लेता हूँ दोनों साइड पे। तो ये यहाँ पे कलर हो चुका है। इसके बाद जाएंगे हम लोग लाइट में और इसका कलर भी ब्लू चूज़ कर लेते हैं, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं चेक करने के लिए, और यहाँ पे टेम्परेचर घटा देंगे और ब्लू चूज़ कर लेंगे। ब्लू हो जा भाई, ये पता नहीं क्यों आज लाइट रूम परेशान कर रहा है बहुत। ये हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे ना कि हाईलाइट को पूरी तरह से बढ़ा देंगे, ठीक है। ये बस हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है, बस अब जाएंगे थ्री डॉट्स पे और जाके इसे सेव कर लेते हैं। देख लीजिए किस तरह से दिख रही थी पहले और अभी कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है, ठीक। अब इसी फोटो को फिर से हम लोग क्या करेंगे, पिक्सआर्ट में ओपन कर लेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, बस जो रेड लाइट इफेक्ट है ना वो देना है। तो ये पहले जो नीचे लिखा हुआ है इसे पहले मिटा लेते हैं, तो मैं ब्लैक कलर चूज़ करके इसे मिटा लेता हूँ, ये मिट चुकी है। इसके बाद क्या करूँगा, ऐड फोटो में जाऊँगा। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से मैं एक पीएनजी ले लेता हूँ, पीएनजी नहीं एक्चुअली ये फ़ोटो ही है यहाँ पर। इसे क्या करेंगे हम लोग, पहले फ़ोटो के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, रेड वाला नीचे होगा और ब्लू वाला ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करके एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसकी ब्लेंडिंग मोड को हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन लाइट पे कर देंगे। ये ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन लाइट पे हो चुकी है, ओके कर लेते हैं। इसके बाद एक और पीएनजी लेंगे अवेंजर वाली, ये नीचे मैं लगा देता हूँ अच्छे से। ये हो चुका है अवेंजर वाला, एक्चुअली तो टेसरेट क्यूब है जो हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर में देखा है और बहुत सारे फिल्मों में देखा हुआ है, सारी मार्वल की मूवी में। यहाँ पे लेंस फ्लेयर लेता हूँ मैं, ये रेड वाला लेंस फ्लेयर लेता हूँ, सॉरी मेरा जबान थोड़ा लड़खड़ा आ रहा है। इसे बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा करने के बाद टेसरेट क्यूब के ऊपर रख लेता हूँ और इसका ह्यू जो है ब्लू कर लेता हूँ, इसका कलर को चेंज करके। ये ब्लू हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिख लूँगा, अपना नाम, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, जफर स्टूडियो, ये हो गई। इसे मैं लगा लेता हूँ, ये लग गई है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।